जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ये वीडियो में हम बुद्ध देव के फ्रेंड्स और एनिमी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इसका मेन वीडियो ना देखा हो तो उसे आप ज़रूर देखिए, जिसमें हमने रूल्स डिस्कस कर रखे हैं, ताकि ये वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो देखिए, हम जानते हैं अभी बुद्ध देव की मूल त्रिकोण राशि है कन्या। तो मैंने यहाँ कन्या राशि की एक लग्न कुंडली बना ली है। अब यहाँ से हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। देखिए, सेकेंड हाउस में आती है तुला राशि, जो कि शुक्राचार्य जी की राशि है और ये एक मित्र घर है। तो यहाँ शुक्राचार्य जी बुद्ध देव के लिए मित्रता तो दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए हम वृषभ राशि भी देखेंगे, जो कि शुक्राचार्य जी की दूसरी राशि है। अब यहाँ आप देख सकते हैं शुक्राचार्य जी की वृषभ राशि नवम भाव में आ रही है, जो कि भाग्य का स्थान है और मित्र का स्थान है। यहाँ शुक्राचार्य जी अपनी मित्रता को कन्फर्म कर रहे हैं कि बुद्ध देव शुक्राचार्य जी को अपने मित्र मान रहे हैं। और शुक्राचार्य जी के भी वीडियो में हमने जाना कि वो बुद्ध देव को भी अपना मित्र मानते हैं, मतलब इन दोनों में ही एक अच्छी मित्रता है। अब तीसरे भाव के स्वामी है मंगल देव और ये एक शत्रु घर है। तो क्या बुद्ध देव के लिए मंगल देव शत्रु माने जाएंगे? उसके लिए आप मेष राशि को देखिए। देखिए, वो अष्टम भाव में आ रही है और अष्टम भाव के स्वामी मित्र माने गए हैं, तो यहाँ उनकी शत्रुता कन्फर्म नहीं होती। मतलब बुद्ध देव मंगल देव को अपने शत्रु में नहीं रख रहे। मंगल देव बुद्ध देव के लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट है, जबकि मैंने मंगल देव की वीडियो में बताया कि उनको सबसे ज़्यादा ट्रबल होता है बुद्ध देव से। मंगल देव बुद्ध देव को अपना शत्रु मानते हैं और बुद्ध देव मंगल देव को न्यूट्रल मान रहे हैं। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। यहाँ धनु राशि आ रही है, एक मित्र घर है और बृहस्पति यहाँ मित्रता साबित कर रहे हैं। पर क्या वाकई में बृहस्पति यहाँ मित्र बन सकते हैं? उसके लिए हम बृहस्पति महाराज की मीन राशि पे भी नज़र डालेंगे। मीन राशि सेवेंथ हाउस में आ रही है, जो कि एक एनिमिकल हाउस है, जिसके स्वामी शत्रु माने गए हैं। तो यहाँ बृहस्पति महाराज बुद्ध देव के लिए न्यूट्रल प्लैनेट है, ना तो वो शत्रु है ना तो वो मित्र है। अब जैसी अवस्था बृहस्पति महाराज की कुंडली में होगी, वो वैसा कार्य करेंगे। अब आ जाते हैं पंचम भाव में। देखिए, यहाँ शनिदेव की मकर राशि आ रही है और शनिदेव यहाँ अपनी मित्रता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या वाकई में बुद्ध देव शनिदेव को मित्र मानते हैं? उसके लिए आपको कुंभ राशि पे आना होगा। अब कुंभ राशि देखिए छठे भाव में आ रही है, जो कि शत्रु घर में आ रहा है। तो बुद्ध देव शनिदेव को न्यूट्रल मानते हैं, ना तो वो उन्हें मित्र का दर्जा दे रहे हैं ना वो उनको शत्रु का दर्जा पूरी तरीके से दे रहे हैं। अब जो घर बच रहा है वो है दशम भाव, जहां बुद्ध देव की खुद की ही राशि आ रही है, मिथुन राशि। परंतु बुद्ध देव फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, तो वो खुद के मित्र तो वैसे ही है और कन्या राशि में वो उचके भी हो जाते हैं। तो यहाँ कंक्लूजन क्या है कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब है, बुद्ध देव की जैसी अवस्था होगी वो वैसे रिएक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं एकादश भाव में। यहाँ चंद्रमा की कर्क राशि आ रही है और ये एक शत्रु का घर है। बुद्ध देव चंद्रमा को शत्रु मान रहे हैं, जबकि चंद्रमा के वीडियो में हमने जाना वो बुद्ध देव को मित्र मान रहे थे। तो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। और यहाँ देखिए सूर्यदेव भी बारहवें घर के स्वामी हैं, एक मित्र घर को रूल कर रहे हैं। बुद्ध देव सूर्यदेव को अपने मित्र मानते हैं, परंतु सूर्यदेव की वीडियो में हमने जाना कि वो बुद्ध देव को न्यूट्रल मानते हैं। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, बुद्ध देव किन्हें अपना मित्र मानते हैं? सबसे पहले वो शुक्राचार्य जी को अपना मित्र मानते हैं, उसके बाद सूर्यदेव को अपना मित्र मानते हैं। और यहाँ मंगल देव बृहस्पति और शनि महाराज एक न्यूट्रल प्लैनेट का काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए केवल चंद्रमा एक शत्रु बन रहा है बुद्ध का, वरना बुद्ध देव किसी को अपने शत्रु में नहीं रख रहे। या तो ग्रह न्यूट्रल हो रहा है या तो फिर वो मित्रता निभा रहा है।